अगर जियो के यूज़र हैं आप, तो आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल आपके लिए यह है कि 31 मार्च 2018 के बाद आपके जियो के सिम का क्या होगा। 31 मार्च 2018 के बाद आपका जियो का जो सिम है वो बंद हो जाएगा या चलता रहेगा। यूट्यूब में पड़ी बहुत सारी वीडियोज़ की अगर बात करें जहाँ पर यह क्लेम किया जा रहा है कि अगर आप उनकी वीडियो को शेयर करेंगे तो आपका जियो का सिम जो है वो चलता रहेगा, अगर आप उनकी वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो आपका प्राइम मेम्बरशिप खत्म हो जाएगी और आपकी जो सिम है वो बंद हो जाएगी। तो भाई मैं आप लोगों को सबको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों, मित्रों इस बात को पूरी तरह समझ लो कि 31 मार्च 2018 के बाद भी आपका जो जियो का सिम है वो चलता रहेगा। लेकिन क्या है पूरा खेल, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार साफ साफ समझा दूं कि अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप जियो के प्राइम मेंबर हैं, आपने 99 रुपीज़ दिए हैं एक्स्ट्रा जियो के 31 मार्च 2018 तक अपने सिम को चलाने के लिए, तो बेफिक्र रहिए, आपका सिम जो है वो प्रॉपर चलता रहेगा 31 मार्च 2018 तक। आज की अगर बात करी जाए तो आज यहाँ पर तारीख हो गई है 26 और उसके बाद 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन अभी भी बाकी हैं और इन 5 दिनों के बाद भी अगर आप जियो का प्राइम मेंबर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जियो का सिम कंटिन्यू चलता रहेगा। जियो ने फ्री में बांटे थे अपने सिम और उनकी कॉस्ट को वसूलने के लिए 99 रुपीज़ की प्राइम मेंबरशिप नाम का एक नौटंकी सामने लाया और जिसके बाद उसने अपने सिम की जो कॉस्ट थी उसे पूरी तरह से ले ली। सबसे अपने 99 रुपीज़ ले लेके उसने अपने सिम का जो कॉस्ट था उसे अपना रिकवर कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये कि अगर जियो ने प्राइम जैसी चीज़ बंद नहीं करी या प्राइम मेंबरशिप के बंद होने पर, ख़त्म होने पर आपका सिम बंद करने का ऐसा कुछ भी जियो अगर अनाउंस करता है तो इतने ज़्यादा यूज़र हैं जियो को खुद प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बाकी कंपनीज जैसे एयरटेल और वोडाफोन जो हैं जो वॉइस ओवर LTE पर स्विच कर रहे हैं, एयरटेल ने तो स्विच कर भी दिया है कई सिटीज़ में, तो ये सब कंपनीज़ भी अब अगर जियो अपनी इस तरह की स्टेप लेता है तो जियो को खुद प्रॉब्लम होने वाली है इन कंपनीज़ के साथ। तो बेफिक्र रहें, जियो का सिम जो है वो आपका बंद नहीं होगा। अगर आप अभी भी कोई भी प्लान जियो का ख़रीदते हैं, चाहे 300 रुपये से ऊपर वाले कोई भी प्लान हो, तो 99 रुपीज़ का प्राइम मेंबरशिप इंक्लूड हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर आपने 99 रुपीज़ की प्राइम मेंबरशिप इंक्लूड करा दी तो 27, 28, 29, 30, 31 के बाद आपका जो 99 का ये रिचार्ज जो आप अभी कराएंगे अपना वो खत्म हो जाएगा। नया सिम भी अगर आप लेते हैं 30 तारीख को तो 31 तारीख को एक दिन के बाद 99 रुपीज़ का प्राइम मेंबरशिप एक्सपायर हो जाएगी। तो प्राइम मेंबरशिप हो सकता है कि जियो आगे रिन्यू करे या हो सकता है जियो प्राइम मेंबरशिप नाम का जो ये नौटंकी है इसे पूरी तरह से खत्म कर दे और अब आपको प्राइम नाम का कुछ भी ना बचे जियो के अंदर, सिर्फ सिर्फ नॉर्मल यूजर्स रहेंगे क्योंकि 99 रुपीज़ जो सिम की कॉस्ट थी वो रिकवर कर ली है। कॉस्ट रिकवर हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं जियो के लिए और उसके यूजर्स के लिए भी। तो बेफिक्र रहे, इस बात की पूरी गारंटी है कि सिम आपका नहीं बंद होगा। यूट्यूब पे पड़ी बहुत सारी वीडियोस के भ्रम में मत जाए कि आपका सिम बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों, इस बात को पूरी तरह समझ लो कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।